मुझे यहाँ पे लखनऊ का जो मौका दिया गया है वो मादरी जबान की अहमियत और उसकी अफादियत के हवाले से। मादरी जबान के बारे में कहा जाता है कि इंसान की मादरी जबान वो है जिसमें वो ख्वाब देखता है। क्या बात, यानी कि इंसान कोई भी जबान कितनी भी महारत के साथ पढ़ ले, लेकिन जब वो ख्वाब देखता है, सोता है, तो वो मादरी जबान में ही देखता है। लिहाजा हम मादरी जबान से कभी कट नहीं सकते। और फिर गांधी जी, दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, क्या नाम है कि रविंद्रनाथ टैगोर के हवाले से मैं बात करूंगा कि जब उन्होंने शांति निकेतन स्कूल जब कायम करना शुरू किया, तो उन्होंने बच्चों को समाज से अलग करके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको उन इदारों को बनाया। और वहाँ पर जब वो ले गए बच्चों को, तो उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे बच्चों को लेकर के क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद तो ये है कि तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाए, फितरी माहौल में। और दूसरी बात यह है कि उनको मादरी जबान में उनकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने मजीद इसमें इजाफा किया कि हमारे जो असातिज़ा हैं, जो गुरु हैं, वो तलबा को लेक्चर मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और लेक्चर मेथड के हवाले से उन्होंने मज़ीद इसके बाद वजाहत की कि लेक्चर मेथड बिल्कुल इस तरह से है कि एक अच्छा सा नन्हा सा फूल किसी गमले में लगाया जाए और उसको बाहर धूप और बारिश और मौसम के बेरहम मौसम के हवाले कर दिया जाए, जिसमें वो मौसम के थपेड़ों को सहे और उसमें वो बर्बाद हो जाए। यही हाल लेक्चर मेथड का है। और इसके हवाले से उन्होंने ये बात वाजे की कि लेक्चर मेथड सिर्फ हर मौके पे, हर जगह पे मुनासिब नहीं है। लेक्चर मेथड के साथ हमें दीगर मेथड का भी इस्तेमाल करना चाहिए तालीम में, तदरीस में। और मादरी जबान की अहमियत तो इस कदर ज़्यादा है कि तमाम जितने माहरीन तालीम हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने मादरी जबान में तलबा की तालीम का बंदोबस्त करने की बात कही है। यही वजह है कि आरटी 2009 जो कानून आया, उसने अपने इस पूरे फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे फोकस किया है या वकालत की है, तो वो मादरी जबान की है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। शायद मेहमान आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।